इतना गर्म है, मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ एडजस्ट होने वाला है। मिल चुका है केक, बहुत प्रिटी लग रहा है बाहर से तो। और यहाँ पे देखो पूरा अस्पताल बना हुआ है, पूरा पैर जल गया है इसका, बॉडी भी पूरा थोड़ा थोड़ी जल गया है देखो। और पेट बड़ा है इसलिए ना, गरीबों के लिए हमेशा ऑक्सो ही ठीक रहता है। मेहंदी जाते हैं, मौई मौई का मेहंदी शादी है इसका, कल शादी होगा इसका। अब यार हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज नया सुबह है और मैं माईबंग पे हूँ। कल रात जो वीडियो दिखाया था पहले, वो माईबंग का ही है। कल शाम कोई पार्टनर मुझे लेने के लिए गया था तो मैं आ गई रात को, तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मेरा पार्टनर का मासी का बेटी जो है छोटा सा क्लैरिशा, उसका वो है, उसका बर्थ रिचुअल है। तो अभी हम लोग वहाँ पे रेडी वेडी होके जा रहे हैं, हम लोग सब रेडी है। यहाँ पे है ये बंदरी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। और अम्मा हमारे लिए ऑलरेडी वेट कर रहा है, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के फ़ोन कर रहा है, तो हमें बहुत जल्दी से जाना पड़ेगा क्योंकि उठा हम लोग बहुत लेट है, कुछ भी टाइम नहीं मिला रेडी होने को, जल्दबाजी में रेडी हो गए। अच्छा भी जा रहा है देखो, अच्छा देखो ये भी जाएगा आज, लेकिन इतना गर्म है मुझे नहीं लगता कि ये वहाँ एडजस्ट होने वाला है, बहुत गर्म है यहाँ का। चलो तो ये बलून हमें डेकोरेशन के लिए बाहर लगाना है, आज इसका बर्थडे तो नहीं है फिर भी, लेकिन हम लोग केक काटने वाले हैं इसके लिए, इसकी जिद से। मेरा नेल पॉलिश देखो, नेल पॉलिश। आबा आबा यान, बहुत गर्म है इसलिए ये रोता ही जा रहा है। बाहर का वाला डेकोरेशन जो है वो मैंने सजाया है, मैंने नहीं, मेरा पार्टनर का बहन सब मिल के सजाया, लेकिन क्योंकि बहुत सारा आदमी है इसीलिए मैं अच्छे से प्रॉपर ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, ऐसे कोने वोने में आके ही बनाती हूँ। तो ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे केक लेने के लिए और उसके बाद केक भी कट होगा। आज तो बर्थडे तो नहीं है फिर भी बर्थ रिचुअल है, तो लेकिन क्लैरिशा को केक काटना था इसलिए केक भी काटेंगे। तो केक का ऑर्डर मैंने दिया है, आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए गाइस, वो केक का लोकेशन पड़ता है साइडिंग में, तो साइडिंग तक जाना पड़ेगा। वो केक का जो है पहले पार्टनर के बर्थडे में जो ऑर्डर किया था वही से लिया है, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा था केक। तो इस बार मैंने टू टायर्स का किया है, टायर्स बोले या टीयर्स बोले, हम लोग डिमासा भी था, हम लोग डिमासा में नहीं, मतलब हम लोग ऐसे लोकल में तो हम लोग दुई तला तीन तला ऐसे बोलते हैं बचपन में। तो या टू टीयर्स का किया है, तो देखते मेरे डिज़ाइन तो अच्छा ही दिया था, फिर भी कैसे बनाएंगे पता नहीं। चलो केक लेके आते, इतना गर्म है यहाँ पे, भाई दिखने में जितना ही फ्रेश लगता है रास्ता उतना ही गर्म है यहाँ पे, हाफ लॉन्ग से तो बहुत ज़्यादा ही गर्म। अभी कुछ दिन बाद देखना जटिंगा में, अभी तक पानी नहीं भरा है हमारे जटिंगा रिवर में, वो उसमें वही होगा, आदमी ही आदमी होगा। एंड ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस टॉप, ये मेरा नया टॉप है, कल ही आया है और क्वालिटी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग लेना चाहते हो तो मेरे साइज़ का जो है वो मेरे साइज़ का एम में आता है, मैं हमेशा एम ही पहनती हूँ, तो दिस विल बी गुड फॉर यू। क्वालिटी गर्म के दिन में बहुत अच्छा रहता है, ये वाला क्वालिटी कॉटन का है। तो आ गए हैं स्टेशन के ठीक पीछे, माईबंग स्टेशन, अब यहीं पे कहीं केक मिल जाएगा यहाँ पे। आ गया हमारा केक, तो चलो मिल चुका है केक, बहुत प्रिटी लग रहा है बाहर से तो, अंदर देख लेते हैं बाद में। चलो चलते हैं, नहीं ब्लैक में चाहिए मुझे, ब्लैक में होगा। सो गाइस आई जस्ट केम टू द ग्रोसरी, नो नॉट ग्रोसरी, ज्वेलरी शॉप। हाँ छोटा में दे दो, क्योंकि मेरा मांग बहुत खाली खाली लग रहा था इसीलिए कूटा लगा लेते। कितना इसमें, इससे छोटा वाला नहीं है, इससे काम चलाना पड़ेगा आज।
अभी थोड़ा ये लगा के थोड़ा सा मतलब क्या बोले उसको, हाँ छोड़ो, वहाँ पे रास्ता बहुत छोटा है तो अभी हम लोग यहाँ से पकड़ के लेके जाएंगे। पार्टनर मेरी हेल्प करेगी, उसके बाद ही जाएंगे। चलो What was your name? Ang in bubu ke bulao ba? Ha? I little remember iska naam Ritvik hi hona chahiye. Ritvik ya Ritvik ha. तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मैं सो गई थी इसीलिए बूटिया शक्ल लेके घूम रही हूँ। ऊपर चल के खाना खाते हैं। शी इज वेटिंग फॉर फूड। देखो बेचारी जबरदस्ती मेरे साथ आई है खाना खाने के लिए। राजबीर खाना खाएगी, खाना खाएगा। ये बहुत नॉटी है, बहुत बदमाश है ये लड़का। डैमरसा इसका हम लोग लॉन्ग माई लाई है ये, इसको हम लोग डैमरसा डैमरसा बोलते हैं। कोई बात नहीं, डैमरसा बहुत क्यूट है। हम लोग हंसा हंसा है और ये डैमरसा है ना। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ी देर में सो जाएंगे। बच्चा बहुत रो रहा था वहाँ पे तो हमने ज्यादा देर वहाँ पे नहीं रुका। और यहाँ पे देखो पूरा अस्पताल बना हुआ है, अंदर आदमी सोया हुआ है। देखो अस्पताल है पूरा, एक है यहाँ पे, एक है देखो अंदर अंदर मरीज है, मरने वाला है, मलेरिया हुआ है इसको। बहुत रोया है आज दिन भर, इतना गर्म है यहाँ पे। आय 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 आय। हाय गाइस, अनदर डे बट सेम व्लॉग। तो आज पता नहीं क्या डे है लेकिन मैं ऐसे ही जिया जा रहा हूँ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। आज पता नहीं क्या डे है, बाद में पता लगा लूँगी। तो अभी आज ही मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है। डाउफोंग डाउबा करना है मुझे, तो डाउफोंग जल्दी गौरीबा करना होगा, मतलब कपड़ा जल्दी बनाना होगा, कपड़ा बना रही हूँ मैं। तो घर जल्दी जाना पड़ेगा, ऐसे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है गाइस। तो मैं आज ही पार्टनर के घर से जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम लोग करेंगे फ़िशिंग, क्योंकि उनके घर में बहुत मछली होता है फिशरी में। तो आज हम लोग थोड़ा सा फिशिंग करेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। और शायद दीदी साथ में जाएगा, वो भी घर जाएगा, उसका घर तो हफलों में बैठता है। तो बेबी हम, मैं, दीदी और पार्टनर की बहन जाएगी। तो थोड़ी देर में फिशिंग करने के बाद जाएंगे हम लोग। बेबी को देखो यहाँ पे कैप लगा के बैठा है। वो चिंगना रे मना अभियान लंग था सा नो ओ सॉरी 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 सॉरी, ये कैंपराय है, मेरा कैंपराय अभियान कैंपराय है ये ना। मम्मी बेचारा इसको गाँव हो गया, का पूरा पैर में पता नहीं क्या हो गया, एलर्जी हो गया, पूरा पैर जल गया इसका, बॉडी भी पूरा थोड़ा थोड़ी जल गया है देखो गर्मी की वजह से। इसलिए इसको फिर से हाफ लॉन्ग लेके चेकअप करवाना पड़ेगा। बेचारा देखो सिर्फ 4 मंथ्स का भी नहीं हुआ है अभी तक, 4 मंथ्स का ही हुआ है ना देखो, फिर भी लेकिन इसका पाव देखो पूरा खत्म। इसीलिए हम लोग ऐसे बांध के रखते हैं क्योंकि ये खुजली के मारे रब करते रहते हैं ना, इसीलिए ना। अबा बा ये जहाँ मैंने तुझे फंसाया है अपने प्यार में, ये रहा जाल। तो पानी बहुत कम हो गया है इसीलिए अभी पकड़ना थोड़ा आसान होगा, वरना ऐसे समर टाइम में जब पानी बढ़ जाता है तो पकड़ने को बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पानी बहुत गहरा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पूरा कचरा, ये सब पार्टनर का रेंटल हाउस है क्योंकि रेंट में रखा है, बहुत सारे लोग बाहर का रहता है तो गंदा करके रखा है। पार्टनर चले धूप में और हम लोग यहाँ आराम से बैठे हैं ना। अबा
अभी भी इतना गहरा पानी है, देखो अभी पार्टनर इतना ऊंचा है उसके लिए इतना डीप होता है। देखो ओ यहाँ पे फरफरा रहा है, मिलेगा कि नहीं देखते हैं। पानी गंदा मिला है बहुत बड़ा बड़ा मिला है भाई। और ये यहाँ पर पागल बैठी है, ये रहा अंडा है इसमें, अंडा है इसमें, कैसे पता चला? देख वो पेट बड़ा है इसलिए ना, अंडा है बोले इसमें। ये क्या है, खोई है ना? ये कुमट काट। यहाँ पे खोई भी मिलता है गाइस, बहुत टेस्ट होता है, मुझे तो खोई ही पसंद है। हाँ ये वाला कोई है, ये बहुत टेस्ट होता है। जी पकड़ते समय ही गाड़ी आ गई थी हमारे जाने की, तो हम लोग कार में जाएंगे उसके भैया के, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। मच्छी भी पैक नहीं किया, मच्छी पैक करने के लिए प्लास्टिक ढूंढ रही हूँ मैं, थोड़ा ही मिला है, यही लेके जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी है इसीलिए। पूरा काटा है इसमें, ये देखो डाल देती हूँ। मैंने बीच रास्ते से ऑटो पकड़ लिया क्योंकि कार में बहुत सफोकेशन हो रही थी, मुझे वोमिट आ रहा था, इतने उल्टी जैसे आ रहा था, तो मैंने गाड़ी चेंज कर ली, मैं जाऊंगी ऑटो में, ऑटो इज़ बेस्ट हमारे लिए। गरीबों के लिए हमेशा ऑटो ही ठीक रहता है, कार वार हमारे बस की बात नहीं।